वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग आज के इस लेक्चर नंबर सिक्सटी थ्री में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक को मजीदी बढ़ाते और आज के इस लेक्चर में सोल्यूशन आप नॉन लीनियर पार्सल डिफरेंशियल इक्वेशन इन पी एंड के ओ का क्या करते टाइप नंबर थ्री या स्टैंडर्ड फॉम नंबर थ्री क्या करते है? समझते हैं टाइप नंबर थ्री हमारे पास क्या कहते हैं या स्टैंडर्ड फॉम नंबर थ्री द नॉन लीनियर पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन इन पी एंड के हो ये हमें ये कहता है हमारे पास अगर कोई फंक्शन क्या हो

जेट बी अपन ऑफ यू जिसमें हम क्या करते हैं इस यू को हम सपोज करते हैं कि यू इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई सही है अब इस यू का अगर आप पार्शियल डेरावेटिव ले ले विध रेस्पेक्ट एक्स ए हो जाएगा पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स विल बी वन सेम यू का आप वाई के रेस्पेक्ट में डेरावेटिव ले लें सो पार्शल यू अपान पार्शल वाई हमारे पास ए आ जाएगा सही है अब हमारे पास पी क्या होता है अगर हम स्मॉल पी से निकालना चाहिए तो स्मॉल पी आपको पता है पार्शल जी अपान पार्शल एक्स होता है अभी पी एस में जो जेड है वो हमारे पास किस चीज़ पर डिपेंड करता है यू पे डिपेंड करता है क्योंकि हमारे पास पार्शल डिप्रेंशन है मोर देन टू वेरिएबल सो इसको हम ले पार्शल जी अपॉन पार्शल यू इन टू पार्शल यू अपॉन वट पार्शल एक्स सकते हैं पार्शियल यू अपॉन पार्शियल एक्स की वैल्यू वन है तो इससे आ जाएगा पार्शियल जी अपॉन पार्शियल यू आ जाएगा तो हमारे पास पी की वैल्यू क्या है पार्शियल जी अपॉन पार्शियल यू जिसको हम सिंगल ये हमारे पास अब चूंकि सिर्फ पे डिपेंड करता है दे दे तो हमारे पास एक वेरिएबल डिपेंड करता है अब इसके बाद क्या है अगर हम के बाद पार्शल जी अपान पार्शल वाई होता है अब इसमें भी हमारे पास जो यू है वो हमारे पास जेड है इस यू इसमें यू पर डिपेंड करता है यू एक्स पे डिपेंड करता है वाई पर भी दो वेरिएबल हैं तो इसको हम देख सकते हैं पार्शल जी अपान क्या पार्शल यू इन पार्शल यू अपन पार्शल वाई टोटल डराविटो का कंसेप्ट है तो पार्शल्यू अपान पार्शल वाई मैंने निकाला है क्या है ये है पार्शलियो पान वाई ए है इसके इसमें ए पुट करें पार्सलियो अगेन चूंकि जेड एक वेरिएबल पर डिपेंड करता है यू पे तो अगेन इसके जगह हम क्या कर सकते हैं अर्नी डाइवेट लगा सकते हैं डी जेड बाई डी यू लगा सकते हैं तो पार्शल्यू पान पार्शल वाई ऊपर ए है और डी जेड बाई डी यू अपनी जगह पे सो मतलब कि क्यों की वैल्यू क्यो, क्या है ए डी जेड बाई डी यू है अब मैंने बताया था कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास एंड है ऑफ क्या है जेड तो जेड अपनी जगह पे

अब इसमें देखें ना आपके पास वेरिएबल क्या है पी क्यू जेड है तो पी क्यू जेड आ जाए तो आप कौन सा पाम टाइप लग, लगाओगे स्टैंडर्ड पाम नंबर थर्ड लगाओगे तो इसमें वैल्यू स्पोर्ट करेंगे तो सोल्यूशन की जाने बढ़ते पी की वैल्यू क्या है स्मॉल पी की वैल्यू है यहाँ पे डी जेड बाई डी यू आप पार्शियल जी अपान पार्शल यू लगा सकते हैं मल्टीप्लाई बाय वन प्लस क्यू क्यू की वैल्यू क्या है ए इंटू पार्शल जी अपान पार्शल यू ए इंटू पार्शल जी अपान वाट ओ पार्शल यू लगा सकते हैं सही है

अब इसको हम लिख सकते हैं ये वन राइट साइड पे जाएगा तो ए टाइम आप वाट आ जाएगा ए टाइम आप पार्शल जी अपान पार्शल यू आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू ए जेड माइनस वन हो जाएगा ए जेड हो माइनस वन हो जाएगा ए इधर जाएगा तो ये हो जाएगा पार्शल जी अपान पार्शल यू दिस इज इक्वल टू ए जेड माइनस वन अपान वाट अपान ए हो जाएगा दोनों साइड को ऐसा प्रोकेट करें तो ये मैंने बताया था कि जेड यू एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो डराविटो तो के पाप में ले सकते हैं इसको उल्टा करें तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी जेड ये भी उल्टा हो जाएगा ए अपन ए जेड माइनस वन हो जाएगा डी जेड राइट साइड पे जाएगा सो डी यूलस वन हो जाएगा इंटीग्रेट करें तो डी यू का इंटीग्रेशन यू आ जाएगा यहां पर वन AZ -1 का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है क्या है जेड के रिस्पेक्ट में इसका ए आ जाएगा इसका जीरो ए ऊपर मौजूद है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लाग आप ए जेड माइनस वन प्लस कॉन्सेंट आप इंटीग्रेशन के साथ लाग लगा सकते हैं प्रोडक्ट रूल लगा ले सो की वैल्यू क्या है यू इट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट मैंने बताया था उधर इधर यू जीको टू एक्स प्लस ए वाई है तो यहाँ पर एक्स प्लस ए वाई आ जाएगा ए वाई जिस जीको टू लाग टाइम ऑफ व्हाट मल्टीप्लाई करें तो सी टाइम आप एडो माइनस वन आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं कह रहा है कि पी टाइम आप वन प्लस आप जेड माइनस एस को साल करें पी की वैल्यू क्या है डी जेड पान डी यू है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डी जेड पान वाट ओ यहाँ पर हमने किया पार्शल यू पान पार्शल इसकी वैल्यू वन पुट की तो डी जेड बाई डी यू ही आया था सही है सो डी जेड अपान डी यू वन प्लस के स्क्र तो केक्वेर की वैल्यू क्या है ए टाइम आप डी जेड बाई डी यू है सही है इनका पार्शल यू ओ पार्शल वाई की वैल्यू ए थी तो ए इंटू डी जेड अपान डी यू आया था अब इस पर स्क्वेयर है पे? अगर पर हम स्क्रिंग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्र इंटू डी जेड बाई डी यू का होल स्क्र हो जाएगा है सो वन प्लस ए स्कोर डी जेड बाई डी यू का होल K, क्या है ए इंटू डी जेड बाई डी यू इंटू जेडो माइनस क्या हो जाएगा ए डी जेड बाई डी यू इसके साथ कैंसल यहाँ से वन प्लस ए स्क्र इंटू डी जेड बाई डी यू का होल स्क्र सही दिस इज इक्वल टू ए जेड माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ए जेडो माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें क्या जाएगा ए जेडो माइनस ए स्क्र हो जाएगा इसको क्या करेंगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ये वन राइट साइड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर डी जेड बाई डी यू का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वाट ए जेड माइनस ए स्क्वेयर वन राइट साइड पे जाएगा माइनस वन हो जाएगा दोनों साइड पे अंडर रूट ले ले तो यहाँ पे आ जाएगा ए इन टू डी जेड अपॉन डी यू दिस विल बी स्क्र रूट ऑफ वॉट ए जेड माइनस ए स्क्र एंड देन माइनस वन ये इधर आ जाएगा अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल जेड है तो ये सारा इधर आ जाएगा ए डी जेड स्क्र माइनस इधर आ गया ये करें तो ये हो जाएगा यू विलवल टू वेड माइनस ए स्क्र माइनस वन को लेट सपोज एक वेरिएबल टी मान ले तो ए जेड का डेरावेट हो जेड के रेस्पेक्ट में ए आ जाएगा बाकी का जीरो तो ऊपर ए मौजूद है तो वन अपन स्क्र टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वन अपॉइंट टी का वन टू का ये हो जाएगा t पावर माइनस वन अपॉइंट इसका इंटीग्रेट करें सो so t पावर वन अपॉइंट टू डिवाइड बाई वन अपॉइंट टू सो टू टाइम ऑफ स्क्वेयर रूट t सो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 टाइम ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ द गिवन फंक्शन विच इज az जेड माइनस ए स्क्वेयर एंड देन माइनस वन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन u की वैल्यू क्या है u की वैल्यू है x प्लस ए वाई सो x प्लस ए वाई दिस विल बी टू टाइम ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ वाट ए जेड माइनस एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड क्या है दिस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन